दोस्तों आप सभी को याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले एक मैक्सिको की लड़की की कहानी सुनाई थी जो रात को गायब हो गई थी हाईवे पर खड़े होकर। उसकी अंतिम फोटो जो थी वो वायरल हुई थी, लेकिन पता नहीं मैक्सिको में क्या चल रहा है। और यकीन मानिए, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं कि उनको सिर्फ पैसे के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। आमतौर पर अगर किसी का बच्चा गुम होता है तो उसके माता पिता तुरंत जाकर पुलिस में रिपोर्ट वगैरह लिखवाते हैं, और अगर उस बच्चे की डेड बॉडी वगैरह मिलती है तो उसकी ऑटोप्सी वगैरह की जाती है और फाइनली पुलिस कुछ ना कुछ नतीजे पर जरूर पहुँचती है। लेकिन आज की कहानी आपके सारे के सारे वहम दूर कर देगी कि यहाँ दुनिया कितनी गिर सकती है, पैसे के आगे कौन कौन कहाँ तक बिक सकता है। सच में यकीन मानिए, दिल दहला देने वाली ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपका इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। एक बच्ची जो कि गुम होती है, उसके माता पिता अगले दिन गुम होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसकी जो डेड बॉडी थी वो 10 दिनों बाद मिलती है। और कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूं। पॉडकास्ट फोर्थ वीडियो आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाकर देख लो। बहुत ही बढ़िया एक रॉबरी की कहानी सुनाई है, जापान की सबसे बड़ी हाइस्ट जो हुई थी और जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर इंसान मारे गए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना। 20 जुलाई 2005 के दिन मॉरिशिया और लिजेट नाम के इस जोड़े को एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम पॉलेट फारा रखा गया था। बदकिस्मती से ये बच्ची जो थी वो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के साथ पैदा हुई थी। मतलब ये काम वगैरह तो सब कुछ कर सकती थी, ग्रोथ इसकी सही हो रही थी, लेकिन ये सही से बोल नहीं पाती थी। मतलब कि अगर इसे खाना चाहिए होता तो सिर्फ ये खाना कहती, ये कुछ एक वर्ड्स ही थी जैसे कि मम्मा, पापा, फूड, ऐसे ऐसे ये कुछ वर्ड्स ही बोल पाती थी। पूरे के पूरे सेंटेंस इसे बनाने नहीं आते थे। इवन कि ये प्राइमरी स्कूल में आ चुकी थी लेकिन तब तक भी इसे बोलना नहीं आया था। यहाँ पॉलेट की एक और बड़ी बहन थी जो इससे 3 साल बड़ी थी, उसका नाम भी लिजेट ही था, यानी कि इसकी माँ का जो नाम था वही इसकी यहाँ बच्ची का रखा गया था, बड़ी वाली का। लेकिन हम यहाँ उसे लिजेट जूनियर के नाम से जानेंगे ताकि आपको नामों में कन्फ्यूज़न ना हो, और यहाँ हम उसे लिजेट जूनियर बुलाएंगे। 21 मार्च 2010 का दिन आया, बिल्कुल आम सा दिन था, जब इसके पिता यानी कि लिजेट और उसकी दोनों बेटियां अपने पिता के साथ ही एक अलग ट्रिप पर गए और उसकी माता मॉरिशिया अपनी ही एक दोस्त अमांडा के साथ एक अलग ट्रिप पर घूमने के लिए गए। कहा ऐसा ही गया था लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि यहाँ ये ट्रिप क्या था। रात के अब 9 बज चुके थे और पूरा परिवार अब वापस अपने घर पर ट्रिप से आ चुका था। जो लिजेट थी वो पहले ही अपने घर आ चुकी थी और मॉरिशिया भी अब यहाँ पहुँच चुका था। और जब उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियाँ और उसका पति भी ट्रिप से वापस आ गए हैं तो सभी ने मिलकर खाना खाया और रात को सभी सोने चले गए अपने अपने कमरे में। ये जो लिजेट और मॉरिशिया का जोड़ा था, ये दोनों वर्किंग थे, मतलब कि दोनों नौकरी कर रहे थे, एक रियल एस्टेट में और एक अटॉर्नी जनरल में। तो इनके पास अच्छा पैसा था और इसीलिए इनका ध्यान जो था वो अपने बच्चों में कम लग रहा था। और बच्चों का ध्यान रखने के लिए उन्होंने दो नैनीज रखी हुई थी, दो केयर टेकर रखी हुई थी जो सारा दिन इनके बच्चों के पास यानी कि इन दोनों लड़कियों के पास रहा करती थी। अब जैसे ही यहाँ 22 मार्च की सुबह हुई तो दोनों नैनीज जो थी वो अपने अपने काम पर वापस इस घर में आई और दोनों ने जाकर अब अलग अलग बच्चियों को उठाना शुरू किया। जो इसके माता पिता थे यानी कि लिजेट और मॉरिशिया, वो पहले ही अपने काम धंधों पर निकल चुके थे। अब दोनों नैनीज ने आते ही बच्चों को उठाना शुरू किया और जैसे ही वो लिजेट जूनियर के कमरे में गए, उसे उठाया और अब बारी थी पॉलेट की। पॉलेट के कमरे में एरिका नाम की नैनी आई और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने चारों तरफ देखा, बेड के नीचे देखा, बेड के ऊपर देखा, हर तरफ देख लिया लेकिन पॉलेट वहाँ कहीं नहीं थी। तो एरिका ने अपनी जो साथी नैनी थी उसको बताया कि ऐसे यार पॉलेट तो मिल ही नहीं रही। तो इन दोनों ने अच्छे से कमरे को देखा, आसपास जो अपार्टमेंट्स और थे, मतलब कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहते थे, हर अपार्टमेंट में देखा, जा जाकर दरवाजे खड़खड़ाए कि क्या कहीं पर पॉलेट किसी ने देखी है, अगर किसी के घर आई हो तो हमें बता दे, लेकिन उनको कहीं नहीं मिली। जिसके बाद इनको सिचुएशन सीरियस लगी और इन्होंने तुरंत मॉरिशिया और लिजेट को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे पॉलेट गुम हो गई है। जिसे सुनते ही उसके माता पिता लिजेट और मॉरिशिया बहुत चिंतित हो गए। तुरंत माता पिता घर पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस अपने साथ फोरेंसिक्स यहां लेकर आई। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस जांच के पहले ही दिन में इस पूरे अपार्टमेंट को 5 बार छाना गया था। जहां ये पूरा परिवार रहा करता था वो बिल्डिंग में बहुत ऊंचाई पर फ्लैट बना हुआ था। मतलब कि यहां एक पॉसिबिलिटी तो ये खत्म हो जाती है कि पॉलेट यहां अपने आप तो इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकती, जरूर उसे या तो कोई लेकर गया होगा या फिर वो घर में ही होगी। यही दो सिचुएशंस यहां होनी चाहिए थी।
खैर अब यहाँ पर माता पिता बहुत चिंतित थे, उन्होंने बिलबोर्ड वगैरह बनवाने शुरू कर दिए, उन्होंने पैम्पलेट्स वगैरह बहुत छपवाए, रिक्वेस्ट करी लोगों से आकर सामने कि अगर किसी ने भी हमारी बेटी को देखा हो तो प्लीज़ हमारी सामने आकर मदद करो, हमारी बेटी हमें वापस दे दो। ऐसा ऐसा उसकी माँ लिजेट बोल रही थी यहाँ बार बार। और मॉरिशिया का भी बिल्कुल यही हाल था, वो भी यहाँ आकर इंटरव्यू दे रहा था कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी को बस वापस कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको एक मिनट पहले ही बताया कि ये बच्ची अपने आप तो बाहर जा नहीं सकती थी, ये थी पहली बात। लेकिन दूसरी बात, क्या इस घर के अंदर कोई धक्के से घुसा था, क्या कोई फोर्सफुल एंट्री थी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी पोलेट के साथ ऐसा कुछ किया होगा, वो जरूर या तो पहले से ही घर में मौजूद होगा या फिर उसके पास घर की चाबी होगी, मतलब कि कोई अंदरूनी बंदा है जो इस घर को अच्छे से जानता हो। इसके अलावा यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मॉरिशिया और लिजेट ने अपने घर पर दो कुत्ते भी रखे हुए थे, लेकिन उस रात किसी ने भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं सुनी। अगर कोई अननोन बंदा वहां पर आता तो ऑब्वियसली वो डॉग्स जो थे वो बात जरूर करते, वो भौंकते जरूर। अब क्योंकि यहाँ कोई बाहर से नहीं आया था और कुत्तों ने यहाँ नहीं भौंका था, कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, तो जरूर कोई घर का ही मेम्बर होगा जिसने सब कुछ किया हो। लेकिन अब देखिए केस कैसे कैसे पलटियाँ मारेगा, आप खुद इसे देखकर हंसने लग जाएंगे। अब क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस था तो यहाँ मीडिया टेंशन बहुत ज़्यादा थी। 24 घंटे अब लिजेट और मॉरिशिया के घर के बाहर मीडिया के कैमरे लगे रहते, इंटरव्यूज़ के लिए लोग जो भी सामने आते वो अपनी ही अलग अलग बात कह रहे थे। तो इस वजह से इस शहर के जो अटॉर्नी जनरल थे अल्बर्टो बेज़बेज़, वो इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर इस केस के अंदर वो रुचि लेंगे तो कुछ उनका भी फायदा हो सकता है, उसको उनको भी थोड़ी मीडिया अटेंशन मिल जाएगी। खैर हो भी सकता है उनका दूसरा मोटिव हो कि उनको एक केस सॉल्व करना हो। अगर ऐसा कोई मोटिव होता तो यार मैक्सिको के अंदर इतने क्राइम होते हैं, इतने बच्चे हर महीने गुम होते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, तो और किसी के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? स्पेशल सिर्फ इस बच्ची के केस पर ही ध्यान क्यों दिया गया, ये अपने आप में एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी बनी तब के टाइम में उस देश में। यहाँ हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा था, बेज़बेज़ अलग से अपने पैम्पलेट छपवा रहे थे, जो लिजेट के रिश्तेदार थे वो अलग से ही अपने आप से ही ईमेल बना बना कर लोगों को भेज रहे थे कि ऐसी ऐसी हमारी बच्ची गुम हो गई है। और यहाँ पोलेट की माता लिजेट, उसका तो कहना ही क्या, उसने तो सीधा आकर सबसे पहले ये इंटरव्यू दिया और कहा कि देखिए हमारी बच्ची गुम हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो, अगर किसी ने भी हमारे बच्चे को किडनैप वगैरह किया है, अगर कोई वो चाहता है कि हम उन्हें फिरौती वगैरह दें तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी बच्ची को सेफली किसी भी मॉल वगैरह में किसी भी पब्लिक प्लेस में छोड़कर चले जाइएगा और जस्ट हमें बता दीजिएगा कि वो बच्ची वहाँ पर है, हम जाकर अपने आप उठा लेंगे और ये केस यहीं बंद हो जाएगा, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बयान था सबसे पहला लिजेट का, यानी कि पोलेट की माता का। ये तो थी वो पहली स्टेटमेंट जो पोलेट की माँ की तरफ से आई थी। इसके बाद उन्होंने इतनी स्टेटमेंट दी कि पुलिस वाले अपना काम धंधा छोड़कर उसे ही देख रहे थे कि हाँ पहले यही देख लेते हैं, बच्ची को बाद में ढूंढेंगे, पहले इसकी माँ को ही देख लेते हैं कि ये क्या क्या स्टेटमेंट दे रही है। और इतनी स्टेटमेंट, हर घंटे वो स्टेटमेंट बदल रही थी, और इतनी स्टेटमेंट बदलने की वजह से पुलिस वालों को भी थोड़ा सा अब कार्रवाई तो करनी थी ना, तो उन्होंने पोलेट की माँ और पोलेट के बाप यानी कि लिजेट और मॉरिशिया को ही उठाकर झप लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। इसके ऊपर अल्बर्टो बेज़बेज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ये अब क्योंकि ये लोग जो है आपस में ही इनकी जो बातें हैं वो मैच नहीं हो रही, तो हमें इनसे भी थोड़ी पूछताछ करनी है, इसलिए हमने इनको उठाया है। अब यहाँ इस केस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर किसी भी केस में, किसी भी जुर्म में, जुर्म सहने वाले की बॉडी या फिर लाश वगैरह अगर मिल जाए तो जरूर उसमें अंदर थोड़ी जांच जो है वो आगे बढ़ती है, पुलिस को नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं, ऑटोप्सी वगैरह की जाती है और यहाँ केस थोड़ा सुलझ जाता है। लेकिन यहाँ पोलेट के केस में बिल्कुल उलट था। यहाँ जैसे ही पोलेट की बॉडी मिली सब कुछ बदल गया, सारे सिनेरियो ही बदल गए, सभी जो लोग थे वो भी बदल गए। दिन था 31 मार्च 2010 का। दिन तो क्या ही कहूँ, बल्कि 31 मार्च 2010 की वो रात शुरू ही हुई थी, मतलब कि 9 वाली रात खत्म हुई थी और सुबह के 2 बज रहे थे, यानी कि रात के 2 बज रहे थे। और तभी इस घर के अंदर 3 फोरेंसिक्स के जो लोग थे वो एंटर होते हैं, एक पूरी टीम थी मतलब कि 3 लोगों की, वो एंटर होते हैं अपने साथ कैमरा वगैरह लिए हुए और जस्ट वो कहते हैं कि हम इस बिल्डिंग में इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ पर सीन को रिक्रिएट कर सकें। सोचकर देखिए यहाँ वो सीन को रिक्रिएट करना आए थे, तो उन्होंने जस्ट कैमरास जो थे वो अलग अलग एंगल्स में उस कमरे में लगाए जहाँ पर पोलेट रहा करती थी, और जस्ट अब उन्होंने
रिक्रिएट करना शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले एंगल बनाया कि पोलेट के साथ हो सकता है मारपीट हुई हो, और वहाँ पर उस मारपीट के अंदर उन्होंने खून को भी बेड के ऊपर बिखेरा, मतलब कि एक लाल कलर का लिक्विड अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने जस्ट छींटे जो थे वो बेड के ऊपर बिखेरे और जस्ट ढूंढना शुरू किया। बस सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ वहाँ हो सकता है और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे दो बातें बहुत ही अजीब लगी यहाँ इस फोरेंसिक की जांच में। पहली, पूरे 10 दिनों तक, पिछले 10 दिनों तक बहुत सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, मोहल्ले वाले, गली वाले, मीडिया वाले, डॉक्टर, पुलिस वाले, सभी के सभी इस कमरे के अंदर इतनी बार गए थे जिसका कोई हद नहीं थी। एक क्राइम सीन कम बल्कि एक धर्मशाला ज़्यादा लग रहा था। तो इतने लोग गए थे लेकिन हमेशा वर्किंग आवर्स में, कभी भी रात को उठकर वो शहंशाह बनकर नहीं गए उस कमरे के अंदर जांच करने के लिए। तो यहाँ वो सबसे पहली बात, तो रात को 2 बजे उन्होंने एक ये सीन क्रिएट करने का क्या प्लान बनाया। दूसरी बात, उनको किसी ने कहा नहीं था कि ऐसा एक सीन रिक्रिएट तुमको करना है और इसकी फिल्म भी बनानी है। ये जस्ट तीनों लोग अपनी ही मर्जी से चल रहे थे, ना ही कहीं ऊपर से ऑर्डर थे, ना ही कहीं नीचे से ऑर्डर थे, ये तीनों बस अपनी मर्जी से ये यहाँ सीन को रिक्रिएट करने के लिए आए थे। ये जो वीडियो इन्होंने बनाई थी यहाँ पर कैमराज में, यकीन मानिए बहुत ही अजीब सी है, बहुत ही डरावनी सी है। और ऑब्वियसली ये वीडियो मैं आपको यहाँ तो कभी नहीं दिखाने वाला। अगर आपको देखनी है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर आज रात को 9 बजे इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में या फिर स्टोरी में भी मैं रात को पक्का लगाने वाला हूँ। पिछली 2-3 वीडियोस की मैं नहीं लगा पाया क्योंकि जो मेरे सोर्सेज थे उन्होंने पिक्स को कन्फर्म नहीं किया, सो आई एम सो सॉरी, मैं रात को नहीं लगा पाया था। लेकिन इसकी वीडियो जो है वो कन्फर्म हो चुकी है और रात को 9 बजे के बाद लग जाएगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ फॉलो जरूर कर लेना। खैर, अब ये जैसे ही उस सीन को रिक्रिएट कर रहे थे तो उनका हाथ गलती से, जी हाँ, इस वीडियो के हिसाब से गलती से, वो जो चद्दर होती है जो गद्दे के ऊपर बिछाई जाती है, जो नीचे दी जाती है गद्दे के, तो उनका हाथ गलती से उस चद्दर पर लगा और वो चद्दर खिसक गई। तो उन्होंने अब सीन को बिगाड़ना थोड़ी ना था, तो उन्होंने वापस उस चद्दर को उठाया और जस्ट उसको नीचे डालने के लिए वापस गद्दे के, उन्होंने गद्दा उठाया और वो देखते हैं कि नीचे तो पोलेट मरी पड़ी है वहाँ पर। ये देखकर उनको अब शॉक होना चाहिए था, जैसे कि मैं हो रहा हूँ, जैसे कि आप हो रहे होंगे कि यार एक छोटी सी बच्ची वहाँ कैसे मरी पड़ी है। लेकिन इन तीनों में से किसी एक के भी चेहरे पर कोई यहाँ क्यूरियोसिटी नहीं थी, कोई यहाँ शॉकिंग रिएक्शन नहीं था। इनके लिए जस्ट नॉर्मल सा था, ओ माय गॉड, अच्छा पोलेट की बोरी मिल गई क्या, चलो सही हुआ, जस्ट नॉर्मल थिंग थी इनके लिए। लेकिन यही बात जो थी वो बाद में जाकर इशू भी बनने वाली थी, आगे मैं आपको बताऊंगा। खैर, अब जैसे ही इन्होंने वो बॉडी देखी, वो बॉडी जो थी असल में जो गद्दा जहाँ ख़त्म होता है और जहाँ से बेड शुरू होता है, हमारे यहाँ तो क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे गद्दे बनाए जाते हैं जो बेड के अंदर ही मुश्किल से फिट आते हैं, वो पहले ही बड़े होते हैं, पैसा भी तो वसूल करना होता है ना गद्दों का। खैर, वहाँ जो है वो गद्दे थोड़े छोटे लेते हैं, थोड़ा सा गैप बीच में रहता है गद्दे का और बेड का जो एंड होता है उसके बीच में, और यहाँ पोलेट जो थी वो उसी बेड के एंड और गद्दे के बीच वाले जो स्पेस था उसके अंदर फंसी हुई थी मरकर। बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े होने वाले थे। अब यहाँ आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, पूरे केस के मुताबिक ये लाश यहाँ पर पिछले 9 दिनों से पड़ी हुई थी। एक लाश अगर किसी कमरे में 9 दिनों से पड़ी होती है और उस कमरे के अंदर हजारों लोग डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, जूते लेकर घुस रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स वहाँ अलग अलग चीज़ों को टच कर रहे हैं, क्या वो एक क्राइम सीन रहेगा? अगर हम उसे धर्मशाला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, वो जो कमरा था वो धर्मशाला बन चुका था। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि एक लाश जो हजारों लोगों की नाक के नीचे पड़ी हुई है, क्या वो किसी को दिखी नहीं? क्या 9 दिनों के अंदर लाश सड़ी नहीं? अजीब बात है। खैर, यहाँ पर अब एरिका यानी कि वो नैनी और उसकी जो बहन थी यानी कि दूसरी जो नैनी थी, उन दोनों को बिठाकर पूछताछ की गई कि हाँ मोहतरमा, बताइए, आपने तो कहा था कि आपने रूम को अच्छी तरह देखा है। नैनी उल्टी ही पुलिस के ऊपर पलट गई कि जनाब, आप भी तो रूम चेक करने के लिए आए थे, आपका काम है, हमने तो जस्ट ऊपर से देखा था कि यहाँ पोलेट है या नहीं, आपको तो अलग से देखना चाहिए था ना थोड़ा सा डीपली। तो यहाँ पुलिस भी अब कन्फ्यूज़ की बात तो ठीक कह रही है। जिसके बाद पोलेट के माता पिता यानी कि लिजेट और मोरिशा को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने रूम क्यों नहीं देखा। तो उन्होंने पहले कहा था, यानी कि अभी नहीं, पहले वाले बयान में कहा था कि हमें तो एरिका यानी कि जो नैनी थी उसने कॉल की थी कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे गुम हो गई है। लेकिन अब की बार बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नैनीज का कोई फ़ोन ही नहीं आया, दोनों का कोई फ़ोन नहीं आया, बल्कि हमारे पास तो जो मोरिशा था यानी कि पोलेट का जो पिता था उसकी बहन का फ़ोन आया था कि हाँ ऐसे ऐसे हम, मैं घर पर आई थी और यहाँ पोलेट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद
नैनिस को दोबारा पूछा गया कि तुम तो कह रही थी कि मैंने इनको फ़ोन किया है, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल किया है, आप मेरे फ़ोन की कॉल हिस्ट्री देखिए, उस दिन के साफ यहाँ दिख रहा है कि मैंने इनको फ़ोन किया हुआ है। अब पुलिस भी यहाँ कह रही है कि हाँ फ़ोन तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ अब बार बार ये लोग अपने बयान पलट क्यों रहे थे, आखिर ये छुपाना क्या चाह रहे थे इस केस में? इस सवाल का जवाब हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन यहाँ अब जैसे ही वो बॉडी मिली तो अल्बर्टो बेज़बेज़ यानी कि अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और उन्होंने कहा कि जरूर मुझे लगता है कि ये जो बच्ची है छोटी सी, इसने गलती से अपनी जान दे दी, मतलब कि हो सकता है नींद में अपने बेड पर इधर उधर करवट वगैरह ली हो इसने और वो गलती से जाकर उसकी दूसरी तरफ गिर गई हो, मैट्रेस यानी कि गद्दे के और बेड के एंड के बीच में गिर गई हो और वहीं फंस गई हो, इसका दम घुट गया हो और ये बाहर ना निकल पाई हो। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि शुरुआत से ही यानी कि जन्म से ही तब तक जब तक पॉलेट की मौत नहीं हो गई तब तक पॉलेट अपने मुंह के ऊपर एक ऑर्थोपेडिक कपड़ा ढककर सोया करती थी, जिससे उसे ना ही खराटे आते थे और ना ही वो सोते टाइम अपना मुंह खोलती थी, वो जस्ट नाक से ही सांस लेती थी। और ऐसा कोई सीन ही नहीं था कि वो इतनी गहरी नींद में कभी सोए, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कह रखा था कि ये लड़की बहुत चेतना में सोती है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे अब अटॉर्नी जनरल ने आकर बयान दे ही दिया है तो ये केस यहाँ बंद हो जाएगा, अब इससे बड़ा तो क्या ही होगा, पुलिस को भी अब मानना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल ने जो बोला है ऑटोप्सी अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ अब केस बंद करने वाले थे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कोई था जो फोरेंसिक वालों की टीम में से सामने आया बाऊजी बनकर और उसने माइक पर आकर सभी के सामने बोला कि दम नहीं घुटा उसका, उसको तो मारा गया है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान है। अब जैसे ही ये बात उसने बोली पूरा केस फिर से ताजा हो गया और फिर से अब लोग पीछे पड़ गए कि जनाब चोट के निशान कहाँ से आए, उसका तो जवाब दे दो। जिसके बाद लोगों ने इस वीडियो के ऊपर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये वीडियो ही इस एंगल से बनाई गई है कि जस्ट पॉलेट की यहाँ लाश दिखे लेकिन उसके चोट के निशान ना दिखे, और जो फोरेंसिक वाला बंदा जिसने आकर कैमरे के ऊपर बोला है कि उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे वो बिल्कुल सही कह रहा है और इस केस को यहीं बंद नहीं करना चाहिए, इसकी और तह तक जाना चाहिए हमें। अब यहाँ एक और बहुत ही दिल दहला देने वाली बात निकल कर सामने आई। जी हाँ, 9 दिनों बाद यहाँ पॉलेट की जो लाश थी वो मिली थी, लेकिन इन 9 दिनों में घर परिवार क्योंकि बिल्कुल परेशान था, सभी उदास थे पॉलेट के खो जाने से, तो यहाँ लिजेट की जो एक फ्रेंड थी अमांडा जिसके साथ वो ट्रिप पर गई थी, वो फ्रेंड लिजेट के पास आई और कहा कि ठीक है जब तक ये केस ठंडा नहीं पड़ जाता और पॉलेट का कुछ पता नहीं लग जाता मैं तुम्हारे पास ही रुक जाती हूँ। और यहाँ अमांडा और कहीं नहीं बल्कि पॉलेट के कमरे में जाकर उसी के बेड के ऊपर सोया करती थी। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि एक लड़की यानी कि एक अधेड़ उम्र की महिला एक लाश के ऊपर सो रही है तो क्या उसे पूरी रात में पूरे दिन में वहाँ बैठते उठते खाते पीते उसे ये नहीं दिखा कि उसके पैरों के नीचे एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है? क्या उसके नाक को स्मेल नहीं आई? 9 दिनों के अंदर यार लाश सड़ जाती है, गलने लग जाती है, तो क्या यहाँ पर उसके नाक को कुछ फर्क नहीं पड़ा? और उसका नाक छोड़िए, हमें उसके नाक से नहीं लेना देना, लेकिन यहाँ इस कमरे के अंदर आने वाले हजारों लोग जो फोरेंसिक्स वाले बनकर आ रहे थे, जो पुलिस वाले बनकर आ रहे थे, मीडिया आ रही थी, आस पड़ोस वाले आ रहे थे, दूर दूर से लोग देखने आ रहे थे, क्या उनको ये दिखा नहीं कि एक लाश यहाँ सामने पड़ी हुई है और वो जस्ट अनजान बन रहे हैं? क्या बकवास थी ये? यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि इस कमरे को अथॉरिटीज द्वारा क्राइम सीन वाली टेप लगाकर सील क्यों नहीं किया गया? क्यों एक क्राइम सीन को ना सिर्फ क्राइम सीन बल्कि एक होटल का कमरा बनाकर छोड़ दिया, जो मर्जी आए बैठे खाए पिए मौज मारे पार्टी करे एक लाश के ऊपर? कैसे हो सकता था ये सब, जबकि हर रोज़ इस घर में जो नौकर काम करते थे वो यहाँ की जो बेड चदरे थे वो बदलते थे, तो क्या उनको ये लाश यहाँ पड़ी हुई नहीं दिखाई दी? हो भी सकता है ना दिखाई दियो, तो क्या मतलब ये था कि इस लाश को बाद में लाकर यहाँ रखा गया था? एक इस एंगल हम ये भी देखेंगे आगे चलकर। अब यहाँ पर कोई थर्ड बंदा आया नहीं है जिसने किया हो, घर वाले मना कर रहे हैं, अमांडा यानी कि जो लिजेट की जो दोस्त थी उसने किया नहीं, तो यहाँ आखिर गुनहगार था कौन? अब क्योंकि हम यहाँ बाहर वालों की किसी की बात नहीं कर रहे तो हम घर वालों के ऊपर ही ध्यान देते हैं। पॉलेट के माता पिता और उसकी बहन लिजेट जूनियर, यही 3 बचते हैं अंत में जो इस केस के अंदर मुख्य कल्प्रिट हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको अपनी थ्योरी भी समझाऊंगा आगे चलकर। और इस परिवार का असल सच जानने के लिए उन नैनीज को बुलाया गया और उनसे अच्छे से पूछताछ की गई कि बताओ आखिर यहाँ क्या चल रहा था इस परिवार में,
तो उन्होंने बताया कि यहाँ बिल्कुल ये नॉर्मल से लोग हैं और ये इतने नॉर्मल है कि अगर इनका बच्चा भी गुम हो जाए तो भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नॉर्मली रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और अगर मीडिया वगैरह बाहर आई हुई हो तो जस्ट ये वेट करते हैं और उन्हें टाइम देते हैं कि हाँ ठीक है अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, अगर आपको कॉफ़ी पीते हुए हमारा इंटरव्यू लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना कॉफ़ी ख़त्म होने का इंतज़ार करिए, हम देने के लिए तैयार हैं इंटरव्यू। ये लाइन थी पॉलेट की माँ लिजेट की। जी हाँ, पॉलेट की माँ लिजेट मीडिया के सामने सुट्टे फूंकती हुई उन्हें इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं थी, बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उसकी बेटी उसकी ज़िंदगी से चली गई है। और यहाँ लिजेट के इस बिहेव को देखकर मुझे तो लग रहा है कि जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता था कि यहाँ इस केस में कुछ नहीं होने वाला, डरने वाली कोई बात नहीं है, और उसे इस केस का सच भी पता था और शायद हो सकता है उसे ये भी पता हो कि पैसा सब कुछ करवा सकता है। लिजेट यहाँ पर अपनी बेटी के गायब होने से कितनी दुखी थी, इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि लिजेट ने ऑन कैमरा अपनी लास्ट स्टेटमेंट में कहा कि हो सकता है मेरी बेटी को एलियंस लेकर चले गए हों, या फिर हो सकता है कि उसे हैरी पॉटर, जी हाँ हैरी पॉटर उठा कर ले गया हो अपनी झाड़ू के ऊपर बैठा कर। मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कौन सी धीमी आँच का नशा इस लिजेट ने किया हुआ था जो यही अपनी बेटी के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रही थी। और इसके बाद इसने अपनी एक और अंतिम स्टेटमेंट दी और यकीन मानिए वो बहुत ही दिल दहला देने वाली थी किसी भी माँ की तरफ से आने वाली स्टेटमेंट्स में। जी हाँ, कोई एक माँ कैसे बोल सकती है कि कोई बात नहीं, एक बेटी चली गई तो क्या हुआ, मेरे पास एक और बेटी है मेरी, लिजेट जूनियर। क्या कोई माँ ऐसा बोल सकती है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ लिजेट ने बोला। जिसके बाद यहाँ ऑटोप्सी की गई। अब यहाँ ऑटोप्सी का मतलब होता है कि डॉक्टर सच बताएंगे कि असल में विक्टिम की मौत हुई कैसे है, लेकिन यहाँ डॉक्टर तो चल रहे थे पैसे के ऊपर। ये केस कितना बिक चुका था आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि पहले डॉक्टर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी जिसके अंदर लिखा कि इस लड़की की मौत 21 तारीख को नहीं बल्कि 28 तारीख को हुई है, मिलने से मतलब कि जब ये मिली उससे लगभग 3 दिन पहले। अब यहाँ 28 तारीख को हुई है तो अब पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने थे कि अगर ये लड़की इतने दिनों से गुम थी तो इसको ढूंढा क्यों नहीं। तो अब यहाँ पुलिस वालों ने उन डॉक्टर्स के ऊपर दबाव बनाया कि बाबूजी क्या कर रहे हो, हमारी नौकरी खाओगे क्या, डेट बदलो मरने की इसकी। तो यहाँ डॉक्टर ने कहा ओके बाबूजी अभी कर देते हैं। तो डॉक्टर फिर से सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं 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 हमसे गलती हो गई है, ये लड़की जरूर 21 से लेकर 25 या 26 तारीख के बीच में कभी मरी है। यार आज के टाइम पर मेरे ख्याल से इतनी टेक्नोलॉजी तो है कि हम 5000 साल पहले मरे हुए, 10000 साल पहले मरे हुए लोगों के दिन का पता लगा लेते हैं, एग्जैक्ट पता लगा लेते हैं कि ये लाश कितनी पुरानी है। तो क्या आज हम सिर्फ 10 दिन पुरानी लाश का पता नहीं लगा सकते कि ये लाश इतनी पुरानी है और ये इस तरह से मरी है? क्या वहाँ के डॉक्टर्स इतने बिक चुके थे कि वो पब्लिक के सामने भी बोलने से कतरा नहीं रहे थे? समझ नहीं आता कि वहाँ की चल क्या रहा था, ये केस कितना करप्ट था। इस केस को दबा देने की कितनी जल्दी थी इस बात का अंदाज आप यहीं से लगा सकते हैं कि जस्ट ऑटोप्सी के एक दिन बाद ही, यानी कि अगले ही दिन उसकी लाश को लिया गया और इसके माता पिता ने तुरंत लाकर कब्रिस्तान में दबा दिया। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसके अंतिम संस्कार में पॉलेट की माँ लिजेट मौजूद ही नहीं थी, उसने अंतिम संस्कार में आने से ही मना कर दिया था। खैर ये केस आगे चलकर बहुत ज़्यादा गहराता गया लेकिन कुछ भी इसमें सामने निकल कर नहीं आया। अब वो जो ट्रिप जो था, जो मैं आपको बताया था कि उस वीकेंड पर ये पूरा परिवार ट्रिप पर गया हुआ था और इसकी माँ अलग से अपनी दोस्त अमांडा के साथ ट्रिप पर गई हुई थी, असल में वो किसी ट्रिप पर नहीं गई थी बल्कि यहाँ लिजेट का अफेयर चल रहा था एक दूसरे लड़के के साथ और ये लिजेट अपनी दोस्त अमांडा के साथ मिलकर उस लड़के से मिलने गई थी। ये बात सन 2014 में उसके पति मोरिशा को पता लगी थी और जिस वजह से दोनों ने तलाक ले लिया और ये बिल्कुल अब सेपरेट रहने लगे थे। यहाँ अगले महीने यानी कि अप्रैल 2010 में वहाँ के एटॉर्नी जनरल अल्बर्टो बेज़बेज ने भी अपनी ड्यूटी से, अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया और उनको लग रहा था कि वो इस केस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और उनका स्टाफ ही उनकी बात मानने से इनकार कर रहा है तो मुझे इस पोस्ट पर नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। ये भी बहुत हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि यही तो एक ऐसे इंसान थे जो इस पूरे केस में बाद में आकर इस परिवार को ही सस्पेक्ट मान रहे थे, इसके अलावा तो कोई था ही नहीं, उन्होंने क्यों रिज़ाइन दिया, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। आज इस केस को पूरे 11 सालों से ज़्यादा का यानी कि 12 साल ही बीत चुके हैं यार, और अभी तक हमें नहीं पता चल पाया कि उस छोटी सी बच्ची पॉलेट के साथ आखिर हुआ क्या था। हमें नहीं पता चल पाया कि उसका ही परिवार, उसके ही माता पिता उसके मर्डर में कितने शामिल थे,
हमें नहीं पता चल पाया कि उसका मर्डर आखिर हुआ कैसे था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ का सिस्टम करप्ट है, वहाँ की पुलिस करप्ट है, वहाँ की सरकार करप्ट है, वहाँ के डॉक्टर्स तक करप्ट हैं जो एक सही से ऑटोप्सी तक नहीं कर पाए और कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं। समझ नहीं आता कि आखिर इस केस में क्या हुआ होगा। हो सकता है कि, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जब उस रात वो लोग ट्रिप से अपने लौटे थे अपने पिता के साथ, यानी कि दोनों बेटियां अपने पिता के साथ ट्रिप से वापस घर आई थी, क्या पता उसी टाइम पर पॉलेट जो हो वो मरी चुकी थी और मरी हुई ही वो घर आई हो और उसने जस्ट ये दिखाने के लिए कि एक एक्सीडेंट है और जस्ट उसकी लाश जो है वो साइड में रख दी और दबा दी हो और अगले दिन जो नैनी सी उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया हो। हो सकता है पॉलेट की माँ ने ऐसा किया हो, क्योंकि पता नहीं क्यों, हो सकता है शायद वो उससे ना चाहती हो क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी ऐसी थी और वो ना पसंद करती हो अपनी बेटी को। मुझे नहीं पता आखिर इसमें क्या हो सकता है। आप अपनी थ्योरीज बनाइए और नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए, जिसकी अच्छी होगी उसको मैं हाईलाइट करूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ यार, पॉडकास्ट का चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, मेरा लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा पिछली वीडियो का शाउट आउट सूरज यादव को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।